तो देखेंगे आने वाला वीक 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। सबसे पहले मेष एरीस। मेष राशि वालों, आपके लिए ये वीक हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर सबके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा, पॉजिटिव वीक रहेगा। यू विल गेट व्हाट यू अचीव एंड यू विल बी वेरी हैप्पी दिस वीक एंड यू विल हैव सम गुड सेलिब्रेशन इन योर हाउस। अब हम देखेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि टॉरस। वृषभ राशि वालों, आपको इस वीक अपने करियर और हेल्थ में कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस या नेगेटिविटी से दूर रहना है। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। फॉर टॉरस द कमिंग वीक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। करियर विल ऑल्सो बी हैविंग सम ऑब्स्टेकल्स बट योर रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड। अब हम देखेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि जेमिनाई। मिथुन राशि वालों, आपको इस वीक करियर में कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, कुछ डिले हो सकते हैं आपके काम, बट आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हेल्थ और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो फॉर जेमिनाई द वीक इन रिलेशनशिप एंड हेल्थ विल बी गुड बट देर विल बी सम लिटल ऑब्स्टेकल्स इन योर करियर। अब हम देखेंगे चौथी राशि कर्क राशि कैंसर। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये वीक हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा वीक रहेगा एंड यू विल हैव गुड टाइम्स विथ योर रिलेटिव्स एंड योर फैमिली ऑल्सो। योर करियर एंड हेल्थ विल बी वेरी गुड। अब हम देखेंगे पांचवी राशि सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, आपको इस वीक संभालना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, करियर में भी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ पिंचिंग हो सकती है। सो फॉर लियो द वीक विल बी वेरी नेगेटिव। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स इन योर करियर ऑल्सो। अब हम देखेंगे छठी राशि कन्या राशि वर्गो। कन्या राशि वालों, आपके लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा वीक है, कुछ अच्छा फ़ायदा होगा, करियर में प्रमोशन होगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग है ये वीक में। तो ओवरऑल फॉर वर्गो द वीक विल बी वेरी ऑस्पिशियस, प्रॉस्पेरिटी इज देयर एंड रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड। अब हम देखेंगे सातवीं तुला राशि वालों, आपके लिए तो ये वीक बैलेंस्ड वीक रहेगा, ट्रैवलिंग लक दिख रहा है, करियर बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल बी हैविंग वेरी गुड टाइम्स। फॉर लिब्रंस द वीक इज गोइंग टू बी वेरी लक्की, ऑस्पिशियस एंड प्रॉस्पेरिटी इज देयर। अब हम देखेंगे आठवीं राशि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी ये वीक लक्की वीक रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपके सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल्ड होंगे और आपके करियर में भी बढ़ोतरी होगी। सो फॉर स्कॉर्पियंस द वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड वीक, रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी गुड एंड करियर विल ऑल्सो बी वेरी सक्सेसफुल। अब हम देखेंगे नौवीं राशि धनु राशि सेजिटेरियस। धनु राशि वालों, ट्रैवलिंग लक है बट कुछ डिले हो सकता है, बट ओवरऑल आपके लिए ये वीक करियर में भी बहुत अच्छा फायदा देगा, हेल्थ अच्छी रहेगी बट रिलेशनशिप में कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स या पिंचिंग हो सकती है, तो आपको किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। फॉर सेजिटेरियंस द वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन करियर, देयर कैन बी सम ट्रैवलिंग ऑल्सो बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, डू नॉट आर्ग्यू विथ एनीवन। अब हम देखेंगे दसवीं राशि मकर राशि कैप्रिकॉन। मकर राशि वालों, किसी की बुरी नज़र, नेगेटिविटी, जेलसी के कारण आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो आपको अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेल्थ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। फॉर कैप्रिकॉन द वीक विल बी वेरी गुड इन हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट इन करियर यू विल हैव टफ टाइम ड्यू टू सम नेगेटिविटी और जेलसी ऑफ समवन, सो यू नीड प्रोटेक्शन। अब हम देखेंगे ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, करियर बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बट आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हेल्थ इग्नोर नहीं करनी है, रिलेशनशिप में भी आपको किसी से भी बहस या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है और पॉजिटिव रहना है। फॉर एक्वेरियंस द करियर एंड बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट, यू विल हैव वेरी गुड टाइम्स इन योर बिजनेस बट नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप, डू नॉट आर्ग्यू विथ एनीवन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। अब हम देखेंगे बारहवीं राशि मीन राशि पाइसिस। मीन राशि वालों, आपके लिए तो ये वीक में
करियर में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ ऑब्स्टेकल है और हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो फॉर पाइसिस दिस वीक इज गोइंग टू बी टफ वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। यू नीड टू टेक केयर एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू नॉट इन्वेस्ट दिस वीक, जस्ट हैव पेशेंस। सो फ्रेंड्स, डू फॉलो मी, माई यूट्यूब चैनल इज ओरा डिवाइन टैरेट वास्तु बाय गुंजन, माई इंस्टा अकाउंट इज ओरा डिवाइन क्रिस्टल्स एंड माई फेसबुक इज ओरा डिवाइन। थैंक यू।